चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको हाई कोर्ट के विषय में पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कैसे वेरी करता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंट्री में डाइवर्सिटी को चेरिश करने के साथ साथ इंटीग्रिटी का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और उस इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में जुडिशरी का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, और जुडिशरी के लेवल पर हाई कोर्ट को यूनियन कैसे कुछ कुछ मामलों में अपने ज्यूरिसडिक्शन में रखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कैसे कैसे रखता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया। जैसे अगर जजेस 62 की ईयर की एज पे रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के, अगर उनकी एज को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट के मामले में फाइनल डिसीजन किसका काउंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। हाई कोर्ट के जजेस की एज को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट है अगर तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को लेकर के अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो डिसीजन किसका फाइनल माना जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रावधान स्थापित किया गया है उसके तहत जो निर्णय आएगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के मैंने और भी कंसेप्ट्स आपको सिखाए थे। अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र की बात में भी मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की भूमिका यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जजेस का। उसमें भी हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने कई जजमेंट्स के माध्यम से ये स्थापित किया कि ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए उस जज की। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसफ़र मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए। ट्रांसफ़र कभी भी कोई पनिशमेंट के तौर पर कि आपने किसी जज को पनिश कर दिया है, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। इसका प्रोसेस समय के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त बना। पहला इसका कंसेप्ट सिंपली ये था कि प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ, लेकिन धीरे धीरे इसे रेक्टिफाई करके प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा जब भी करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जजेस के साथ कंसल्ट करना है। 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फुल कॉलेजियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जिस कोर्ट में शिफ्ट करना है उस जज को उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जिस कोर्ट से शिफ्ट करना है उस जज को उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपको कंसल्टेशन करना है। ये सारे प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के बाद ही एक जज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इस विधि को हमने समझा। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर देखें तो यूनियन को यहाँ पर कमांड दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई, वो बात अलग है कि समय समय पर जुडिशरी ने ही इस प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन करके इसे जुडिशियर ओरिएंटेड बना दिया, पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर निकाल करके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि यूनियन के कंट्रोल में ये रहेगा। आई बात समझ में? इस सारे विषय पर हमने ये पढ़ा था। उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम टॉपिक कर रहे हैं। पिछले लेक्चर की क्लोजिंग में भी मैंने इसकी डिस्कशन की थी, उसी पर फर्दर आगे बढ़ेंगे। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, देखिए जब आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था क्या आपने कहीं पर भी एडिशनल जजेस जैसा कंसेप्ट पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। कौन सी दो परिस्थितियों में एडिशनल जजेस एग्जिस्टेंस में आएंगे? जब अचानक से किसी हाई कोर्ट का कामकाज बढ़ जाएगा, बिजनेस में सर्ज आ जाएगा, जब किसी हाई कोर्ट के कामकाज में पेंडेंसी बहुत आ गई है, तो जब एरियर्स ऑफ द केसेस बहुत हो जाएंगे या फिर बिजनेस सर्ज कर जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में एडिशनल जजेस की नियुक्ति होती है। इस नियुक्ति को कौन करता है? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आई बात समझ में? किसके साथ कंसल्टेशन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होता है, और एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं। ये जज 2 बरस तक रह सकता है टेम्परेरीली, 2 ईयर का इसका टेन्योर होता है। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि 2 बरस के बाद मे और मे नॉट इन्हें परमानेंट किया जा सकता है, या तो नहीं भी या हाँ, इन्हें परमानेंट किया जा सकता है। ऐसी बात को अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक ये सारा का सारा कंट्रोल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है। एक तरह से कंट्री लेवल पर जो हाई कोर्ट्स हैं, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट करने की कोशिश है, कि हाई कोर्ट्स को आपने सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट कर दिया, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका कंसल्टेशन यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। प्रेसिडेंट को वो कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं इस मामले में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन यहाँ पर फाइनल माना जाता है जो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ सर्वे सर्वा हो गए, वो चाहें तो किसी को परमानेंट करें, वो चाहें तो किसी को फिर परमानेंट ना करें 2 बरस के बाद। ऐसे में
राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे उन एडिशनल जजेस की, तो यूनियन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, फिर प्रेसिडेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है हाई कोर्ट के कंपैरेटिवली, तो हाई कोर्ट को यहाँ पर आपने सबॉर्डिनेट पोजीशन दे रखी है। तो स्टेट पॉलिटिक्स में बात करें तो स्टेट के लेवल पर जब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो टॉप मोस्ट कोर्ट हाई कोर्ट है। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव से उसे दूर रखा गया है, लेकिन कंट्री लेवल पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट कोर्ट है, लेकिन उस मामले में अगर हम देखें तो टॉप मोस्ट कोर्ट होने के नाते उसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ क्लोज रखा गया है और यूनियन के कंट्रोल में हाई कोर्ट्स को रखा गया है इनफैक्ट, और सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में एक लेवल पर हाई कोर्ट को रखा गया है, तो हाई कोर्ट को एक सबॉर्डिनेट पोजीशन अकॉर्ड की गई है। जबकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन में ये खरा नहीं उतरता है प्रबंध, आई बात समझ में। लेकिन जो विजनरी लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका मानना ऐसा था कि एडिशनल जजेस अगर हमें अपॉइंट करने पड़ते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तब तो ऐसा प्रोविज़न नहीं था, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। समय के साथ साथ ये एडिशनल जजेस वाला कंसेप्ट आया कि जब केसेस बढ़ जाते हैं उस समय में हमें इन्हें अपॉइंट करना चाहिए, या फिर एक समय ऐसा आ गया था 1960s के दौर में 70s के दौर में कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत बढ़ गई थी, तब ये माना गया था कि एडिशनल जजेस को अपॉइंट करके एक बारी हम पेंडेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर एडिशनल जजेस की नीड नहीं होगी। तो जब ये निर्णय लिए गए तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को ध्यान में रख कर के ही लिए गए। तो उसमें तब ये कहा जाता है कि जो एडिशनल जजेस की भर्ती करनी है स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पर अगर गवर्नर को इसकी अनुमति दे दी जाए तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देगा, क्योंकि हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति और चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जब एडिशनल जज की भर्ती होगी तो एडिशनल जज उस जज की कैपेसिटी में ही काम करेंगे, जितने समय तक वो जज हैं तो जज की कैपेसिटी में ही रहेंगे, चाहे वो 2 बरस के लिए हों। ऐसे में फिर वो एट पार नहीं आ पाएंगे अदर जजेस के, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा है और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, और राष्ट्रपति कहीं पॉलिटिकल निर्णय ना ले लें तो इसके लिए कंसल्टेशन कोर्ट का जरूरी होता है, जो यहाँ पर इस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखा गया है, जो कि अदर जजेस के मामले में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन अदर जजेस के मामले में उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्टेशन होता है और उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन होता है। तो जब भी आप चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यहाँ पर अपना कंसल्टेशन देते हैं प्रेसिडेंट को तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन लेकर के ही अपना कंसल्टेशन फर्दर प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को। इस बेसिस पर फिर गवर्नर से भी कंसल्ट हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी, और फिर प्रेसिडेंट बाइंड हैं इस कंसल्टेशन को इम्पैक्ट में लाने के लिए उसी पर्सन को जज। लेकिन जब आप एडिशनल जज की बात कर रहे हैं तो गवर्नर का रोल नहीं आया वहां पर, जो कि बाकी जजेस के मामले में आया था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब 2 सीनियर मोस्ट जज की कंसल्टेशन के लिए बाउंड थे, लेकिन एडिशनल जज के मामले में वो 2 सीनियर मोस्ट जज की कंसल्टेशन के लिए बाउंड नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के लिए बाउंड थे, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के लिए बाउंड थे, लेकिन एडिशनल जज के मामले में वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के लिए बाउंड नहीं है। यहां पर निर्णय प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही बीच में चल रहा है, लेकिन वो जज पूरे फुल जज की कैपेसिटी में काम करेगा जब तक जज है। तो इस पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि फिर आपने काफ़ी सबॉर्डिनेट कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी संज्ञान में नहीं लिया, फिर आपने राज्य के गवर्नर को भी नहीं लिया, तो पॉलिटिकल स्फेयर में गवर्नर को लीव कर दिया और जुडिशियल स्फेयर में आपने चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट को लीव कर दिया। ये तो एक तरह का पूरा प्रो सेंटर स्टांस हो गया, प्रो यूनियन स्टांस हो गया, कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को आपने सुप्रीम कर दिया, दूसरी तरफ यूनियन एग्जीक्यूटिव को आपने सुप्रीम कर दिया। इस तरह से आपने हाई कोर्ट को सबॉर्डिनेट पोजीशन दे दी, और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि मालाफाइड प्रैक्टिसेस के स्कोप बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिविलेजेस यहाँ पर उम्मीद की जाएगी जजेस के द्वारा, क्योंकि वो जो जज है वो ऑलवेज ही एक्सपेक्ट करेगा कि मे और मे नॉट 2 साल के बाद परमानेंट होने के चांसेस हैं, और ये चांसेस किस पे रिलाय कर रहे हैं, देखिए यहीं पे सारा कांड हो गया। 2 साल के लिए भर्ती तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो जज ये जानता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट होल सोल ये 2 ही मेंबर हैं जिनको मुझे प्लीज करना है। माने प्रेसिडेंट को प्लीज करना का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लीज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लीज कर दूंगा तो मैं परमानेंट हो जाऊंगा, और अगर नहीं प्लीज करता हूं तो मैं परमानेंट नहीं होऊंगा। यही रीज़न है कि बड़े पैमाने पर आज की डेट में एडिशनल जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, जबकि जिस समय में ये प्रथा लाई गई थी उस समय में ये कहा गया था कि इनको सिर्फ तभी तक कंटिन्यू करना है जब तक नीड है। अगर आज की डेट में देखा जाए, थोड़े ही समय पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, 1 फरवरी 2021 के अराउंड का आंकड़ा है,
कुल मिलाकर के 1079 जजेज हैं टोटल, जिनमें से 815 जजेज परमानेंट हैं, और ध्यान से देखिए 1079 में से 264 जो हैं वो एडिशनल जजेस के तौर पर हैं। 264 एडिशनल जजेस है, जरा अंदाजा लगाइए इतने ज़्यादा एडिशनल जज क्यों, आप परमानेंट जज की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, एडिशनल जज से काम क्यों चलाना जा रहे हैं। 264 एडिशनल जजेस मायने रखाते हैं, मतलब पूरे देश भर की अदालतों में देख लें अगर हाई कोर्ट में तो 1079, और जिसमें से 264 जो हैं वो आपके एडिशनल, मतलब हर कोर्ट में आपने एक अच्छी खासी मात्रा भर करके रखी हुई एडिशनल जजेस की हर कोर्ट में, और हर बेंच पे लगभग लगभग एडिशनल जज आएगा। और ऐसे में एडिशनल जज के मामले में टेंडेंसी पाई जाती है कि वो प्रिविलेज सीख करते हैं कि दो साल के बाद हम परमानेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, यह कम्प्लीटली निर्भर कर जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट पे। तो ऐसे में फिर उनके वेव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस को हैम्पर किया जा रहा है, इससे जुडिशरी की इंटीग्रिटी को हार्म किया जा रहा है, और इससे जो हाईकोर्ट पर लोगों की आस्था है उसे गिराने का काम किया जा रहा है। इसमें पॉलिटिकल सेंध लगाई जा रही है। तो एडिशनल जज कंसेप्ट को स्क्रैप करने को लेकर के आप लंबे समय से देखेंगे सिविल सोसाइटी और सिविल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते रहे हैं कि प्लीज़ स्क्रैप दिस एडिशनल जज फिनोमेना इन द हाई कोर्ट्स, डू रिक्रूट द परमानेंट जजेस। अगर काम चलाना है तो परमानेंट जजेस, क्योंकि उनको भी सैलरी अलाउंसेस सिस्टम जो चल रहा है वो तो वही चल रहा, जब तक वो जज हैं तब तक तो वही चल रहा है ना। और आप कह रहे हैं कि हम फिर इन्हें परमानेंट नहीं करेंगे दो साल, पर फिर हर दो साल के लिए तो एडिशनल जज आ ही रहे हैं ना, यही तो कहानी है। फिर लॉजिक ये पूछा जा रहा है कि फिर जब वो पोस्ट टेम्परेरी रही नहीं गई, देखो कोई चीज़ होती है जब हम कहते हैं 1960-70 में जब आया कि सिर्फ दो साल की बात है, मैक्सिमम टू मोर ईयर, चार साल की खेल है, तो परमानेंट जज क्यों अपॉइंट कर रहे हैं फिर, चलो। लेकिन अब वो तब से दो 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 करके 2021 आ गया है, फिर तो वो पिछले 30-35 साल से टेम्परेरी पोस्ट ही परमानेंट हुई हुई है, आपने टेम्परेरी चीज को परमानेंट ही कर दिया, इतने में तो आप परमानेंट जज भर्ती कर देते तो कहानी खत्म। जितनी एडिशनल सीटें, अभी ये प्रूवन ही है कि वो एडिशनल नहीं है, वो परमानेंट ही है, उसकी नीड ही है, तो उतने पक्के भर्ती कर दो फिर। लेकिन वो पक्के भर्ती करने में क्रिटिक्स कहते हैं कि इनको दर्द होता है, इसलिए ये उन्हें पक्के भर्ती नहीं करते। आई बात समझ में, ये खेला चल रहा है, गेम क्लियर हो गई, कौन करता है कैसे करता है। इसके अलावा आ जाते हैं ये एक्टिंग जजेस, इनका तो आपको पता ही है एक्टिंग जजेस कौन होते हैं। जब कोई मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस है वो अवेलेबल नहीं है, तो कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस का रोल प्ले कर देगा कोई भी जज वहाँ पर, और ये भी कौन कराएगा, सिंपल सी बात है, प्रेजिडेंट ही उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे। और दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई जज एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गया है तो जज की पोस्ट खाली हो गई कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी क्या होता है, चीफ जस्टिस प्लस जजेस, हाई कोर्ट भी क्या होता है, चीफ जस्टिस प्लस जज, इसको प्लस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो जज चीफ जस्टिस का रोल प्ले करेगा ना, फिर वो नॉर्मल जज नहीं रह पाता, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है हमारी कंट्री में, चाहे वो हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का, उसे और कोई सुपीरिटी नहीं दी गई, बट वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। मैंने पहले ही कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उसका खेल इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंसल्टेटिव प्रोसेस में उसका रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर के मुताबिक उसका रोल इतना घातक तब हो जाता है कि बेंचेस वो बनाता है, केसेस वो डिसाइड करता है कि किस बेंच के सामने, बेंच ए को, बेंच बी को, बेंच ए को राम मंदिर केस जाएगा, बेंच बी को जाएगा कि बेंच सी को जाएगा, तो ट्रिपल तलाक का केस कौन सी बेंच को जाएगा, ये बेंचेस तय करने का काम चीफ जस्टिस करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारी राय सलाह मशवरे कंसल्टेशन रेंडर करने का काम प्रेजिडेंट को और गवर्नर को चीफ जस्टिस करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में, तो चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस की पावर यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज एक बेंच में तीन जज हैं और उनमें से एक ये चीफ जस्टिस है, कोई मैटर ही नहीं है, ये जज ही हैं बस, ये जज ही हैं। ऐसा नहीं है कि तीन जजेस का फैसला है और उसमें से अगर दो एक से फैसला आ रहा है तो, क्योंकि दो एक में वो दो में से एक चीफ जस्टिस भी है तो फैसला बहुत ज़बरदस्त है, नहीं, चीफ जस्टिस इज़ अ जज सिंपली। When that Chief Justice is on the bench, it is a simple judge. But instead of that, that Chief Justice is a master of the roster. Judicial capacity में उन्हें वो superiority कोई नहीं दी गई, administrative capacity में वो superior है। बात को समझिए, judicially नहीं, administratively वो हैं, क्योंकि staff की recruitment में Chief Justice की position मैंने आपको बताई थी कि चीफ जस्टिस अपना स्टाफ, अपनी कोर्ट का स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं हमने, और स्टाफ रिक्रूटमेंट तो फिर आपको पता ही है, बमा बम काम होता है फिर स्टाफ रिक्रूटमेंट में। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे चीफ जस्टिस सुपीरियर हैं, जुडिशियल कैपेसिटी में वो बाकी जजेस के एट पार होते हैं। आ गई बात समझ में,
और वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव में ही सारा खेला होता है। जुडिशियल कैपेसिटी में कॉन्स्टिट्यूशन इतना विजनरी था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बाकी जजेस के ही कंपैरेटिवली रखा, उन्हें बिल्कुल सुपीरियर नहीं होने दिया कि पूरे कोर्ट को सिर्फ एक चीफ जस्टिस को अपने साथ जोड़ करके कहीं एग्जीक्यूटिव बहका ना ले, कहीं अपनी जेब में ना ले ले, ताकि डेमोक्रेटिकली प्रोसेस चलता रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में यह प्रोविजन रखा है कि किसी भी बेंच में एक जज है उसका जो फैसले के साथ नहीं है उसका डिसेंट भी ऑर्डर का हिस्सा होगा, वो अपना डिसेंट लिख सकता है। जज के पास राइट है, राइट टू राइट द डिसेंट, डिसेंट ऑर्डर मतलब उसको ऐसे नहीं कहेंगे तू फेवर में ही चुप करके बैठ तो हम दोनों ने कर दिया, तो आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, फैसला सिर्फ ऐसे नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ने यह फैसला दिया लेकिन साथ में एक लाइन मोटी मोटी लिखी होती है डिसेंटिंग जजमेंट था, यानी कि दो एक से और एक जज जो है उसने अपना जजमेंट दिया है कि मैं क्यों डिसेंट कर गया। चर्चा की गलियारी में आ जाता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हर लेवल पर कोई एक अपने आप को पितामह ना समझना शुरू कर दे, इसका प्रयास वहाँ पर हर बार किया गया। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे अब सभी जजेस को तो सेम रोल नहीं दे सकते, किसी को तो लीडर बनाना पड़ेगा, तो वो लीडर बनाया तो वो चीफ जस्टिस ही है। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस लीडर बन रहे थे बहुत, उनको सेटल किया खुद सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। अब उसमें अगर चार चार जजेस के कोलेजियम में भी सेंध लग रही है तो फिर तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ जाती है, फिर तो आप किसी को सुधार नहीं सकते भाई। एक चार जज बैठे हैं ऊपर से चीफ जस्टिस, अब वही चार जजेस बैठ करके दीपक मिश्रा के अगेंस्ट आपने देखा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्हीं में से गेम ये हो गई कि सक्सेसिवली वही लोग फर्दर चीफ जस्टिस बने, और उन्हीं की इंटीग्रिटी पे बाद में फिर सवाल भी उठाए गए। एक की इंटीग्रिटी पर उठ ही रहे थे और दूसरे की आप वैसे ही उठा रहे हैं, तीसरे पे उठ जाएंगे जल्दी। तो मुद्दा ये है कि ये ऐसे उठा उठाए वाला काम जब होगा, मतलब ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मोरालिटी में कमी आ रही है। समझ आई बात? बाकी तो सब फिर ठीक है। अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कोई किसी भी मोटरसाइकिल पर बैठे, ये उसकी चॉइस है, ये मेरा मानना है। पर क्यों ही बैठना इतने बड़े बड़े मोटरसाइकिल में, थोड़ा सैर कर लो, वॉक कर लो। लेकिन ये मेरा मानना है कि मोटरसाइकिल जिस पे भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, जज की कुर्सी पे बैठ करके मोटरसाइकिल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। गेम कहाँ पे आ जाती है जब जज की कुर्सी पे बैठ के दिमाग में मोटरसाइकिल है। जब मोटरसाइकिल पे और दिमाग में जज है तो पहले तो बैठ ही नहीं पाओगे। ध्यान से सुनना इस लाइन को, मोटरसाइकिल पे और दिमाग में जज है तो कभी तो बैठ नहीं पाओगे, और अगर आप बैठ गए हो तो अगला रेक्टिफिकेशन ये है कि जज की कुर्सी पे बैठे मोटरसाइकिल दिमाग में ना हो, फिर गेम सारा सेट। लेकिन ये जो अभी मैंने बोला ये क्या है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, इसका एक ही गेम है मोरालिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिंपल। वो डिपेंड करता है हमारे कंडक्ट पे, हमारे पद की गरिमा संविधान के प्रावधानों से इंश्योर की गई है, लेकिन पद की गरिमा और पद को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है ये उस पर भी निर्भर करता है कि जो उस पद को धारण कर रहा है उसकी क्रियाएं कैसी हैं, उसका चरित्र कैसा है स्वयं। तो कोई पद प्रतिष्ठित होता है, कोई पद अप्रतिष्ठित रह जाता है, कारण उसे धारण करने वाले की गतिविधियां क्या थी, उसकी क्रियाएं क्या थी, उसने कैसे क्रियान्वित किया अपना काम, बस सिंपल। वही थ्रोन होता है, कोई उस थ्रोन को इमॉर्टल बना देता है कोई किंग, और कोई किंग उसी थ्रोन को सोर्स ऑफ इविल्स, सोर्स ऑफ सप्रेशन बना के रख देता है। सिंपल सी कहानी है, आपने मुगलों के दौर में देखा ही था, थ्रोन तो सेम ही था, दो बादशाह भी आपने देखे, दोनों का कैरेक्टर भी देखा आपने। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक्टिंग जज अपॉइंट होते हैं। अब वो जज चीफ जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है तो आप ये नहीं करेंगे तो शाम को ऐसा कर कि जज बन के बैठ जा, अभी चीफ जस्टिस बनने की जरूरत नहीं। अब वो चीफ जस्टिस हो गया तो उस जज की जगह पर किसी को एक्टिंग जज बनाना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट उसको एक्टिंग जज बना देंगे। आई बात समझ में? दोनों ही बन लो, चाहे एक्टिंग एडिशनल, दोनों ही मामले में 62 से ऊपर नहीं जा सकते, दोनों ही मामलों में 62 ईयर से ऊपर नहीं जा सकते हो। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगला है रिटायर्ड जजेस। जब सुप्रीम कोर्ट के मामले की बात थी तो ये किसको अधिकार था कि रिटायर्ड जजेस को जब केसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो उसी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए, किसकी? वेरी गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ये ताकत हुआ करती थी। तो हाई कोर्ट के मामले में ताकत किसके पास होनी चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज़ वेरी सिंपल एस्पेक्ट, क्योंकि ये मैटर फिर से वही हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव की, केसेस बढ़ गए हैं, इसको डिस्पेंस करना है, तो फिर ये कॉल कौन लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर देनी है। आई बात समझ में? रिटायर्ड जज कौन सा होना चाहिए?
उसी हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो या किसी अदर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो, उसको बुला करके आपने बैठा करके जज का काम दे दिया कि भैया ये केसेस वेसेस बढ़ गए हैं, इनको निपटारा कर दीजिए। अच्छा, बाकी सभी कैपेसिटी में एडिशनल जज हो गए, एक्टिंग जज हो गए, नॉन परमानेंट जज हो गए, चीफ जस्टिस, इन सारे मामलों में सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेज, पेंशंस, ये कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं? पे नहीं, डिसाइड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, बस ये गलती कभी भी नहीं करनी, ये कहाँ डिसाइड हो रहे हैं? पार्लियामेंट में। लेकिन ये जो रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना है फॉर द टाइम बींग टू डिस्पेंस द केसेस, इसकी सैलरी कौन तय कर रहा है? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट के मामले में प्रेसिडेंट, इस मामले में प्रेसिडेंट, गवर्नर को यहाँ भी घुसने नहीं दिया, ठीक है, मतलब गवर्नर को एंटर नहीं करने देना इन्होंने। अब आप यहाँ पर ही देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में अगर जाएं तो स्ट्रांगली नज़र आता है कि कंट्री फेडरल है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स की एग्जिस्टेंस स्टेट की स्टेट लिस्ट से है, स्टेट लिस्ट में गिवन आइटम से, स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेकिन अब स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नर है। इसी तरह से कंट्री लेवल पर यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखें तो हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन अब देखिए हेड ऑफ़ द स्टेट को कई पोजीशंस में हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ द नेशन से आपने बहुत नीचे रखा है। आई बात समझ में? इसी से क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी हाल भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनली फेडरलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, फंक्शनली फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, फंक्शनली। और फंक्शनल फेडरलिज्म यह है कि एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है जो उस हाई कोर्ट की टेरिटरी तक है, जो कि उस स्टेट की टेरिटरी है जिस स्टेट में उस हाई कोर्ट को लोकेट किया गया। ये हो गया फंक्शनल फेडरलिज्म। लेकिन इससे ऊपर आ जा रहा है यूनिटरी सिस्टम, जिसमें ये क्लियर है कि इंटीग्रिटी भंग नहीं होनी चाहिए किसी ग्राउंड पे। यही कारण है कि सैलरी उस रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यही कारण है कि एडिशनल जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यही कारण है कि एक्टिंग जज प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, यही कारण है कि बाकी सारे हाईकोर्ट के जजेस ऑफ चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम स्ट्रक्चरली और ऑर्गेनाइजेशनली एक्सप्लिसिटली क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फेडरलिज्म फंक्शनली है, देश काम फेडरली फेडरल सेंस में करे, पर देश स्ट्रक्चर वाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइज कभी भी कंप्लीट फेडरल नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। आई बात समझ में? इस चीज़ को समझिए, और इसी हेयर लाइन डिफरेंस को, इसी डिसिप्लिन को, इसी रिस्पेक्ट को जब भी ब्रूट मेजॉरिटी की सरकारें आती हैं, या तो स्टेट में विधानसभा या केंद्र में पार्लियामेंट, वो इसका अनर्गल इस्तेमाल करना चाहती हैं, मिसयूज करना चाहती हैं, क्योंकि वो खुद जानती हैं कि फेडरलिज्म फंक्शनल है और वो इसका मिसयूज। लेकिन फंक्शनल फेडरलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी डालता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस चीज़ से जानी जाती है कि वो चीज़ में क्रिया कैसी चल रही है। आपकी बॉडी जानी जाती है कि बॉडी का फंक्शन कितना बेटर है, काम कैसे चल रहा है देश का, और काम को ही संविधान बनाने वालों ने फेडरल माना। काम की कामकाज की प्रणाली संघीय होनी चाहिए, ढांचा चाहे संघीय ना हो। आई बात समझ में? कामकाज की प्रणाली, और कामकाज की प्रणाली संघीय तभी बनी रहेगी कि आप कभी भी अपनी मर्यादाओं से बाहर ना जाए। मतलब आपको जितना एरिया अकॉर्ड किया है, प्लीज़ डोंट ब्रेच इट। इफ़ यू आर गोइंग बाय द एक्सट्रीम सेंस, वो इसलिए कि फंक्शनल फेडरलिज्म हार्म हो रहा था, आप उसे इंस्टॉल कराने के लिए एक्सट्रीम गए। समझ आई बात को? समझो, फंक्शनल फेडरलिज्म का जादू ये है, इस पर क्वेश्चन भी आया है, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि फंक्शनल फेडरलिज्म का मतलब एट एनी कॉस्ट फेडरल फंक्शन ही बना रहना चाहिए। जिस पॉइंट पर ये ब्रेच होता दिखे, उस पॉइंट पर सेंटर और स्टेट दोनों अपनी पावर्स को यूज करके वापस से फंक्शन को फेडरल बनाए, ना कि इस बात का उल्टा यूज लें कि क्योंकि फंक्शन ही फेडरल इमेजिन किया है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, तो फिर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे फेडरल फंक्शन को खत्म करके यूनिटरी फंक्शन को लाने की, और स्टेट कोशिश करेगा पूरी तरह से कंट्री को एकदम फेडरल बनाने की। नहीं, दोनों को रोका गया है कि फंक्शनली फेडरल करना है, फेडरली फंक्शन करना है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रावधान क्लियर हो गए? कौन सैलरी डिसाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट। क्या पार्लियामेंट कर रही है? क्या गवर्नर कर रहा है? ये क्वेश्चन कभी गलत मत करना, क्योंकि रिटायर्ड जज भी चाहे भर्ती करा दिया गया है केसेस के मामले में, ज्यूरिसडिक्शन के मामले में, तो उसका डिसीजन पूरे जज की कैपेसिटी का है, लेकिन अदरवाइज वो जज काउंट नहीं होगा।
अदरवाइज वो जज काउंट नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में पढ़ाया, उसे वहाँ पर पढ़ लीजिए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, या तो क्लियर सी बात है कि इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो देखिए जुडिशियल रिव्यू की ताकत इनके पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ क्या हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है? क्या हाई कोर्ट रिट पिटीशन ले सकता है? क्या हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? कुछ केसेस में 100% है। हाई कोर्ट एपेलेट है। हाई कोर्ट के कंट्रोल में, हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी और कंट्रोल ज्यूरिसडिक्शन है। सबॉर्डिनेट कोर्ट सारा हाई कोर्ट के अंडर है, सारा सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो फिर हाई कोर्ट की पोजीशन क्या होगी? ये भी डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनल नहीं बट ये भी इंटरप्रेशन तो करता है एक लेवल पर। रिव्यू की ताकत इसके पास भी आ जाती है। आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 226 जब आप रिट पिटीशन लगाते हैं वो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इनके पास शक्तियां आती हैं। आई बात समझ में? इस वजह से हमें इसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। उसी के तहत यहां पर प्रावधान है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किसने किया? प्रेजिडेंट। तो फिर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी किसने किया? प्रेजिडेंट। स्टेट एग्जीक्यूटिव से अलग रखा है इसे, क्योंकि इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है काफ़ी बड़े स्तर पर, कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के प्रभाव में आकर के स्टेट कहीं सेसेशन की ओर ना बढ़ जाए। मतलब ऐसा सोचो, ऐसे ही रखा गया, स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर, स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव, स्टेट की अपनी जुडिशरी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी थोड़े समय पहले ही एक आपने पैम्फलेट्स पढ़े होंगे, स्लोगन भी सुने होंगे, ये कहा गया कि अगर स्टेट अलग हो और ये स्थान बन जाए तो फिर जो इतने लंबे समय से जो हमारे लोगों को जस्टिस नहीं मिला है, वो विक्टिमाइज्ड हुए थे, तो हमारा खुद का कोर्ट होगा और हम उस कोर्ट के वाया उन लोगों को जल्द से जल्द ट्राई पे लेके जस्टिस दिला देंगे, अक्यूज्ड को पनिश कर देंगे, ऐसा कहा गया। और लोगों ने इस चीज़ को जस्टिफाई भी समझा। तो मतलब अगर हाई कोर्ट को इस प्रबंध में ना रखा जाए कि यूनियन के थोड़ा सा कंट्रोल में ना रखा जाए, तो स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव की यह कोशिश रहती है कि हाईकोर्ट को साथ मिलाया जाए और एक अलग यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट बन करके उभरें, दैट इज सेसेशन की ओर बढ़ें। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसे जानते थे, उन्होंने ये नहीं किया। आई बात समझ में? तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेजिडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंस कैसे नज़र आ रही है? प्रेजिडेंट तो कर रहे हैं लेकिन बाउंड हैं किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह कैसे आ रही है? किस किस से? दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगला चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, अगला गवर्नर से कंसल्टेशन, इन सब से कंसल्ट होकर के जज अपॉइंट हो रहा है उसका, हाई कोर्ट का। और अगर खुद का चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, दो सीनियर मोस्ट जज, गवर्नर ऑफ द स्टेट और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? सो इसलिए इसको बहुत हद तक सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रख दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कर तो सिर्फ प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड हैं उस वारंट को ओपन करके, उस वो नाम अपॉइंट करने के लिए। डिसीजन सिलेक्शन सारा का सारा जुडिशियल मेंबर्स ही कर रहे हैं, जुडिशरी ही डिसीजन ले रही है। हाँ, लेकिन इसमें गेम बहुत चलती है, जुडिशरी को डोमिनेट करती है। सुप्रीम कोर्ट अपना जरा बहुत बड़ा स्टेचर दिखाते हैं यहाँ पे, और हाई कोर्ट के जज ऑलवेज इसी बात को लेकर के आपत्तियाँ जताते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बड़ा ही डॉन्टिंग एटीट्यूड रखता है, ये करेक्ट नहीं है। तो कई हाई कोर्ट से आपको बहुत सी आपत्तियाँ भी आएंगी, कुछ लोग तय करके बैठे हुए कि इस बार तो हम ही जज बनने वाले थे, पार्टी भी दे देते एक शाम पहले, अचानक से पता लगता है तुम नहीं बने, कोई और बना। फिर बहुत क्रिटिसिज्म लिखवा, खुद तो लिखते नहीं है, लिखवाते हैं, कहते इट इज़ अ डॉन्टिंग, इट इज़ फादरली अप्रोच, नाउ इट इज़ अ डॉन्टिंग फादर लाइक अप्रोच, इट इज़ नॉट गुड, ये वो, क्योंकि उनका चलता है फिर। ओके, बेटा जब सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज मिलता है तो इनमें भी फिर जज जज वाला होता है सीन, कि सीनियर खड़ा है और जूनियर खड़े हो, जैसे कॉलेज में सीनियर जूनियर होता है ना, वही गेम यहाँ भी चलाते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 100% प्रोसेस सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट का जज भी कैसे रिमूव होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई चेंज ही नहीं है, 100% सिमिलर प्रोसेस है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा, पार्लियामेंट में चलेगा, राज्यसभा में हो तो 50 मेंबर लेकर के आ जाओ, मोशन प्रेजेंट करो, लोकसभा में 100 मेंबर लाओ, मोशन प्रेजेंट करो, और फिर राज्यसभा में चेयरमैन की विजडम है, अपनाता है कि नहीं, लोकसभा में स्पीकर अपनाता है कि नहीं, जो भी कोई अपना ले उसे कमेटी को भेजना है, कमेटी भी जुडिशियल मेंबर की होगी, कमेटी मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पाएगी तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद भी ये कॉल लेनी उन्हीं की आज़ादी है, राज्यसभा और लोकसभा की, कि वो फर्दर बढ़ना चाहते हैं कि नहीं,
बढ़ भी जाएं फर्दर तो राज्यसभा के बाद लोकसभा भी डिसाइड कर सकता है वो इसे अपनाना चाहता है कि नहीं, लोकसभा के बाद राज्यसभा डिसाइड कर सकता है अपनाना चाहता है कि नहीं। दोनों हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से बनाएंगे तो ही राष्ट्रपति ही रिमूव करेंगे। यही कारण है कि आज दिन तक एक सिंगल जज भी इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं हुए। भारत के हाईकोर्ट का कोई जज आज दिन तक इम्पीच नहीं हुआ। आई बात समझ में? फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, सैलरी, पार्क्स, अलाउंसेज, एवरीथिंग, सब कुछ इनका फिक्स है। यानी कि इसे फिक्स कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कभी भी गलती से प्रेसिडेंट नहीं करना, पार्लियामेंट इसे तय कर रही है। लेकिन पार्लियामेंट कभी चाह करके भी इसे डिसएडवांटेजियस नहीं कर सकती एक जज के सर्विंग रहते हुए। आई बात समझ में? इसलिए जज को पार्लियामेंट से भयभीत होने की जरूरत नहीं। माने रूलिंग पार्टी के पास तो ब्रूट मेजोरिटी है तो वो डंका बजाएगा कि बेटा कल पार्लियामेंट में आकर के तेरा बिल मैं निकालता हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हारी तनख्वाह। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप डिसएडवांटेजेस नहीं कर सकते उन सर्विस कंडीशंस को एक जज जब तक सर्विंग है उसके रहते हुए। आई बात समझ में? एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, यहाँ पर हम एक करेक्शन करना चाहेंगे दूरदर्शकों से, मेरा निवेदन है। पिछले लेक्चर में हम चल रहे थे, हमने ये डिस्कशन किया कि जो सैलरी अलाउंसेज हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। हमने उसके पीछे की रीजनिंग भी दी। रीजनिंग ऑलमोस्ट हर एक मैटर में वो करेक्ट है, आपको दिमाग में रखनी है, बट यहाँ पर करेक्शन करें, सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगी। किनकी? जजेस की। जजेस की पेंशंस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, बट जो हाईकोर्ट का स्टाफ है उसकी सैलरी अलाउंसेज पेंशंस सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आएगा। वो सैलरीज कंसोलिडेटेड, वो पेंशंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आएगी। ओके, ये क्लियर हुआ? तो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से आती है जैस्मीन? ओके, और हाई कोर्ट के स्टाफ की सैलरी कहां से आती है? हाई कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट के जज की पेंशन कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के स्टाफ की पेंशन कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। चलो मसला पूरा क्लियर है, अब आपको जाना है, टाइम हो गया, टाटा बाय बाय। आगे है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है कि मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर में सैलरी पे चर्चा तो हो सकती है पर वोटिंग नहीं हो सकती स्टेट लेजिस्लेचर पे। अच्छा, सैलरी डिसाइड किसने की थी? सैलरी पे चर्चा कौन कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ने डिसाइड की थी, लेकिन डिस्कशन जिसके जिसके कंसोलिडेटेड फंड से आएगी डिस्कशन वही करेगा ना। डिसाइड तो पार्लियामेंट ने की थी, लेकिन डिस्कशन कौन कर सकता है? वोटिंग कर सकता है? वोटिंग नहीं कर सकता, घटा नहीं। ये भी क्वेश्चन आएगा, डिसाइड बाय पार्लियामेंट, डिस्कशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि उनके फंड से आ रही है ना, चर्चा कर सकते हैं, घटा नहीं सकते। आई बात समझ में? बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हैं, जब पार्लियामेंट तय कर रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर किधर से बढ़ा देगा? पार्लियामेंट सैलरी अलाउंसेस कौन तय कर रहा है? पार्लियामेंट ना, तो फिर पार्लियामेंट ही ना करेगा सब कुछ, वो चर्चा कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर वाले। ओके, आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वाले एकदम से मुंह में पकौड़े भर के आएंगे और आगे सैलरी बढ़ा देंगे, बढ़ाने के समय वो भी चर्चा कर लेंगे, समझ आई बात? लेकिन चर्चा, चर्चा का मतलब यहाँ पर यह होता है कि बजट के समय में चर्चा कि इतना खर्चा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे। कोई पूछता है कहाँ का खर्चा इतना, इतना खर्चा इतना इतना प्रधानमंत्री पे चला गया, इतना एमपी पे चला, एमएलए पे चला गया, इतना इतना जजेस की सैलरी पे चला गया, जजेस का इतना इतना खर्चा, ऐसे कितनी बार बोल सकते हैं, लेकिन इसे फिर घटा नहीं सकते। फिर ऐसे करेंगे चलो खर्चे घटाओ, सबका घटेगा, एमएलए का घटेगा, सीएम का घटेगा, सबका घटेगा, इनका घटेगा नहीं, क्योंकि इनके खर्चे पे मत नहीं लिया जा सकता, वोटिंग नहीं हो सकती कि इसको बढ़ाना घटाना क्या करना। आई बात समझ में? पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकता है, क्लियर? क्योंकि सैलरीज कौन तय करता है? पार्लियामेंट। डन, आगे बढ़े। बैन ऑन कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जजेस का कंडक्ट स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं हो सकता है। रीजनिंग हमने वहां पर सारी डिस्कस कर ली है। आई बात समझ में? क्योंकि केस क्यों नहीं कर सकते कंडक्ट? कंडक्ट डिस्कस करने का तो मौका दिया है पूरा, वो क्या है? रिमूवल मोशन। जजेस का कंडक्ट डिस्कस करना है तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जजेस का कंडक्ट का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे कि जज मिसबिहेव करता है। जजेस कंडक्ट के मतलब भी ये थोड़ा कहेंगे जज ने लेदर जैकेट पहनी थी, आप यही करेंगे ना, जज मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव क्या होता है? जज का मिसबिहेव मतलब कि बहुत मिसबिहेव, मतलब मिसबिहेव उसने किसी तरह से कोई करप्ट बिहेव किया, ये है मिसबिहेव। आई बात समझ में? किसी को लाभ का पद पहुंचाया, दिलाया है,
किसी को लाभ पहुंचा है। स्टाफ रिक्रूटमेंट में अपने लोगों की एजेंसियों को फायदा, स्टेशनरी की भर्ती में, बेंचेस की भर्ती, पंखे लगवाने में, हर मामले में अपने लोगों को टेंडर दिया, फायदा दिया। ऐसे ऐसे अब तक के जो इम्पीचमेंट मोशन आए उनमें कुछ इम्पीचमेंट ऐसे मोशन आए थे ना, मैंने पढ़ाया था ना, जिसमें कमर्शियल बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई। क्योंकि क्या लगेगा हाई कोर्ट में, लकड़ी, कटघरे, बेंचेस, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तो नहीं लगती होगी कहीं ना कहीं, हर चीज़ डिसाइड हो रही है, चीफ जस्टिस कर रहे हैं। आई बात समझ में? खर्चे वही तय कर रहे हैं, क्लियर। इसमें आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया है कि जो अनवारंटेड था, जो रैशनल नहीं था, इलॉजिकल था और इलीगल था, वो मिसबिहेवियर हो गया। आई बात समझ में? इस बात पर नहीं है कि आपने किसी गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग आप क्या मिसबिहेव करते हो मेरे साथ, इससे गलत तरीके से बात करते हो, इस पर नहीं भाई इम्पीचमेंट चलाने बैठ गए। इनकैपेसिटी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, या फिर भूलने ही शुरू हो गए हैं, धाराएं पता नहीं लग रही हैं, सब कुछ प्रूव हो गया, एविडेंस क्लियर है, लेकिन मौत की सजा की बता कह रहे हैं, बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तब लोग सवाल उठाएंगे कि जज फुल कैपेसिटी में है। आई गेस जज इनकॉम्पिटेंट हो गया, इनकैपेसिटी में चल रहा है कि नहीं, अपसेंट ही चल रहा, अपसेट ही चल रहा है, घर में रोज लड़ाइयाँ झगड़े, ऐसा नहीं चल सकता। आप जज हैं, आपको वैसे ही काम करना है। आप बाद में ये नहीं कह सकते आई एम वेरी सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब था सुबह इसलिए मैंने उसे बरी कर दिया, आगे से मैं देख लूँगा, किसी को बरी नहीं करूँगा। वो जिसको बरी कर दिया वो बहुत घातक काम किया आपने, सही बात है ना। हमसे लोगों से कई बार ये गलती होती है, हम बाद में कहते हैं ना सॉरी मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया, प्लीज़ मुझे आगे से मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जज ऐसा नहीं कर सकते, वो इनकैपेसिटी है फिर, समझ आई बात। ऐसी इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। इनकैपेसिटी में यही है कि फर्जीवाड़ा करके एक्सपीरियंस शो किया था, अब पता लग गया कि ये तो इनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं बनता था, तो फर्जीवाड़े में थे, इनकैपेसिटी, समझ आई। फर्जीवाड़ा करके घुसे थे 62 साल से, तो ऊपर चल रहे थे 3 महीना और शो कर दिए 62 से 6 महीना छोटा हूँ, इनकैपेसिटी में है, नहीं बन सकते जज, एलिजिबल ही नहीं बनते। ओके, तो ऐसे किसी भी तरह की इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के ऊपर तो मोशन है, मोशन में कंडक्टर डिस्कस करो। इसके अलावा जज अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में बेंच पे बैठे हुए क्या निर्णय ले रहा है, रोज दिहाड़ी तुम पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में लगे हुए, ये जज को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये जज ने ये फैसला ले लिया, ये थोड़ा गलत ले लिया, इसको ऐसे, ये तो जज को काम करने से रोक रहे हो आप, न्याय के प्रतिपादन में आप अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, इस पे बैन है पूरी तरह से। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये फिर वही कहानी, ध्यान से सुन लें, आप किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने रिटायरमेंट के बाद परफॉर्म नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। 62 में रिटायर होके यार 65 तक सुप्रीम कोर्ट में रह सकते हो ना यार। अब कोई जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इधर से रिटायर ही होके जाएगा कि किधर से आएगा, अब बरगद से तो टपकेंगे नहीं, समझो बात को। एक जज है वो कह रहे हैं हाई कोर्ट का मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा हो गया 10 साल, 5 साल का अनुभव भी है मेरा, मैं जाके घुस रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इधर से रिटायर हुए उधर चले गए, तो कर सकते हैं प्रैक्टिस की नहीं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर तो किधर भी रास्ता नहीं है कोई जाने का, इसलिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी मैंने बताया था कि एक प्रोविजन तो है कि वापस उसी सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज वाले कैटेगरी में काम कर सकते हैं, बट उसको जज इसलिए नहीं मानते क्योंकि फिर वो केस जब तक बेंच में है तो ठीक है, अदरवाइज वो जज काउंट नहीं होते। मैंने अभी पढ़ाया, मैंने उस दिन भी पढ़ाया, लेकिन अब इस मामले में तो वो जज ही तो है ना यार, हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जज बन गए वहाँ के, और दूसरा हाई कोर्ट का ही जज हाई कोर्ट में ही आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस कर सकता है, मैंने अभी बताया आपको कि लग सकते हैं। इनके अलावा बाकी कोई भी गवर्नर बन जाइए, बाकी सारे काम तो कर ही सकते हैं, मैंने पहले ही बताया एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, वो सारे तो खुले हैं, किसी कमीशन में जाके बैठ जाइए, ऐसे नहीं कि खुद ही बैठ गए सुबह टहलते हुए, बैठाना पड़ेगा, सरकार बैठाएगी, वो सब कर सकते हैं। जुडिशियल प्लीडिंग और प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, लॉजिक क्लियर। ये क्यों रखा गया? ताकि प्रलोभन में ना आ जाएं, ताकि इनको लालच ना हो जाए। ये सबसे ज़्यादा लालच किनको आता है? जो बड़े छोटे छोटे समय के लिए बनते हैं हाई कोर्ट का जज, छोटे समय के लिए बनते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट। और ज़्यादातर लालच किनको रहता है? एडिशनल वालों को। ये दो तरह के जज हैं जिनको ज़्यादातर लालच रहता है। आई बात समझ? अब जब मैं ये दो तरह के जज कह रहा हूँ तो सारे छोटे समय वाले ऐसे नहीं हैं और सारे एडिशनल ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ये देखो, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो इसमें यही होता है कि देखो, जब हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, सारे खट्टे नहीं होते। हम कहते हैं आम मीठे हैं तो सारे तो मीठे नहीं होते। ये तो बस ऐसे ही होता है। हम कहते हैं पानी मीठा होता है, पानी कहाँ मीठा होता है? आप तो रोज़ पीते हो पानी, बस नॉर्मल होता है। पानी मीठे कभी हुआ करते तब तो नहीं होते। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसे कोई जज आकर के खड़े हो जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट।